पुराना रोड पर लगी आग। जी हां, 18 अक्टूबर को मोगा के बागा पुराना रोड पर पावर ग्रिड के बिल्कुल सामने रबर की एक फैक्ट्री को आग लग गई। आग बुझाने के लिए आग बुझाऊ यंत्र वहां पर पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंचे। प्रशासन को पता चला तो प्रशासन भी वहां पहुंचा। आसपास के लोग भी इकट्ठा हुए लोगों ने बताया कि यहां पर पुराने टायरों को काटकर स्क्रैप बनाया जाता है। आग बुझाने के लिए सबसे ज्यादा मेंबर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, जो कि डेरा सच्चा सौदा की फोर्स है, मेंबर है, वहां पर दिखाई दिए। उन्होंने खुद अंदर जाकर रबर की फैक्ट्री के ग्राउंड जीरो पर आग को बुझाने का यत्न किया। करीब 9:30 बजे तक आग कुछ कम हुई थी। आग बुझाने का काम देर रात तक चलता रहा। इस आग में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। देखिए मोगा से चरणजीत सिंह की यह रिपोर्ट। फास्ट न्यूज इंडिया देखने वाले दर्शकों का स्वागत है। अज असी मोगा के बाघा पुराना रोड से मौजूद हैं, जिथे एक रबड़ फैक्ट्री जो है उसनों अग लगी है। स्क्रैप वाली फैक्ट्री हैगी है, इतने टायर की जी है स्क्रैप बनाई जाती है। और लगभग 2 तो 3 घंटे इस अग में हो चुके हैं और सारा प्रशासन मुस्तैद है। हरेक जोड़ा है वो अग बुझाने आपो अपने यत्न कर रहा है। डेरा सच्चा सौदा सिरसा की जो फोर्स हैगी है ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स, वह भी पूरे जोड़ा है वह काफ़ी टाइम तो मुस्तैद है, पूरा काम कर रही हैगी है। तुम्हें दिखा रहे हैं असं फैक्ट्री के जोड़ा है मेन गेट के उत्ते मौजूद हैं और साढ़े न कुछ डेरा श्रद्धालु भी मौजूद है। उन्होंने गलबात करते हैं जी। स्वागत है जी तुहाडा फास्ट न्यूज़ इंडिया के। किन्ना टाइम हो गया उस अग में लगी? ये तकरीबन 7 बजे अग लगी है। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स में जो फोन लगा तो सैकड़े की तादाद ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के सेवादार इतने पहुँच चुके हैं। लगातार तकरीबन यह 7 तो लैके हूँ तक ये अग पर काबू पाने वास्ते पूरी कोशिश कर रहे हैं। नाल इंडिया अपने होर भी सेवादार इतने लगे हुए हैं, पर यह अग न जिन्ना चेर काबू नहीं पाया जाता उन्ना चेर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स इतने पूरी अपनी तनदेही के सेवा करूगी। किन्ने तुहाडे मेंबर जिहड़े हैगे इत्थे मौजूद होणगे लगभग इस अग नूं बुझाउण वास्ते? ये लगभग 200 तो प्लस सेवादार है जी। इत्थे इन्हां दा काम ही इह मानवता दी सेवा करना। जिथे कोई इस तरह की अग लग गई फैक्ट्री नूं, कोई भयानक होर हादसे होंदे आ तां सेवादार उत्थे साडे इह ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स दे सेवादार पहुंचदे आ। इह जिहड़ी शिक्षा सानूं मिली आ ये संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जींसा वालों मानवता भलाई वास्ते जी फोर्स तैयार की गई है। इन्हों के 134 मानवता के काम आ, ये दिन भर रात सेवा कर रहे हैं। किन्ना जिहड़ा हैगा इस अग नूं बुझाउण वास्ते होर भी संस्थावां कोई आईयां हैगियां इत्थे? जी देखो असीं अग दे बिल्कुल नज़दीक आ जिथे 0 पॉइंट चल रहा, इत्थे बहुत होर भी सेवादार हो सकते हैं, पर ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स के मैनूं सेवादारी दिखाई दे रहे हैं। बाकी इत्थे जिहड़े अपने अग बुझाऊ जो मतलब जे अपने यंत्र उन्होंने भी वरतों हो रही है, वो भी बहुत सेवादार वधिया सेवा कर रहे हैं जी। लगभग इतने 20 तो 25 गड्डिया का मतलब यह मतलब अग बुझाने वास्ते काबू पाया गया, पर हजे जिनी अग बुझाई जाती है उदू दुगनी यह थलों पैदा हो रही है। कोई इतने प्रशासन का जोड़ा है अधिकारी पहुंचे थोड़े को? कुछ पता लगे भी पिछे अफसर साहब आए हुए हैं, वो अपना पूरा तनदेही उन्होंने भी अपनी ड्यूटी पूरा कर रहे हैं। किस चीज की फैक्ट्री हैगी है? ये टायर की रबड़ की फैक्ट्री है, जिस तरह हम तैयार है चल रहे। इन्होंने मतलब स्क्रैप इकट्ठा किया गया उन्होंने मतलब जो करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। कोई प्रशासन वालों पहला नहीं कोई इंतजाम करवाए गए थे? इतने रबड़ का अग का काम है तो मनुखी जाना के नाल की यह धक्का नहीं हो रहा? ये बिल्कुल नाल कंध लगमी जी है सन हैगी, एक पास पिग फार्म चल रहा है, स्टड फार्म चल रहा है कि प्रशासन को पहले यदि कोई जानकारी नहीं सी? देखो जी इस बारे तो जो प्रशासन ने आपकी ड्यूटी की होनी है, जो पर जो ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो बनती ड्यूटी है मानवता की इस अग न काबू पाने वास्ते वो आपकी ड्यूटी कर रहे हैं जी। ठीक है जी, तो असं तुम्हें लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं मोगा के एक रबड़ की फैक्ट्री में अग लगी है। ग्रीन एस वेलफेयर फोर्स जो डेरा सच्चा सौदा सरसा ने एक वेलफेयर फोर्स बनाई हैगी है, भलाई कार्य किए जाते हैं। वो एक काम इन्हों का यह भी है अगर कोई आग पाती हैगी है, कोई बिल्डिंग लग पी हैगी है, किसी चीज़ का कोई पानी का जो है मार आ जाती हैगी है, जो अग लग जाती है उत्ते
सैकड़ों की गिनती दे विच जिहड़ा हैगा उह मुस्तैद दे नाल पहुंचदे आ। प्रोपर इन्हां दी इक जो है वर्दी हैगी है हरेक तरीके दे नाल जिहड़ा हैगा उह चल पे पैप। शाह सतनाम जी ग्रीनैस वैलफेयर फोर्स डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, असी तुहानू लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। मोगा दे विच इक फैक्ट्री नू टायरां वाली फैक्ट्री नू जिहड़ी हैगी आ अग लगी हैगी आ। स्क्रैप माल इत्थे है और ग्रीनैस वैलफेयर फोर्स दे मैंबर जिहड़े हैगे आ उह पूरी मुस्तैदी दे नाल काम कर रहे हैं। फायर ब्रिगेड दीआं गड्डियां पहुंच चुकियां, सेवादार अपनी सेवा निभा रहे आ, प्रशासन भी पूरी तरह मुस्तैद है। लाइव तस्वीर तुहानू दिखा रहे हैं असीं मोगा दे बाघा पुराणा रोड तो। जिम्मेवार ये सिखा कितों मिली है तुहानू? शाह सतनाम जी ग्रीनैस फोर्स सरसों। शाह सतनाम जी ग्रीनैस वैलफेयर फोर्स जो सरसा की एक तुहानू असीं दिखा रहे हैं वर्दी के पिछे शाह सतनाम जी ग्रीनैस वैलफेयर फोर्स तस्वीर आईया मोगा दिया ग्राउंड जीरो तो असि तुम रिपोर्ट दिखा रहे हैं। कोई अपने कपड़े की परवाह नहीं कर रहा, कोई अपने कपड़े की परवाह नहीं कर रहा, पूरे मुस्तैद होके जोड़ा है वह काम किया जा रहा अग नू बचाउण वास्ते। जांबाज योधे जिहड़े हैगे असीं इन्हां नू नाम दे सकदे आ, पहला भी इन्हां दा नाम मीडिया दे विच चाहे इन्हां नू गुंडे ही कहा गया सीगा पर मैनू नहीं लगदा इह गुंडे होणगे। ग्राउंड जीरो तो असीं तुहानूं लाइव तस्वीरां दिखा रहे हैं। मोगा दे टायरां वाली फैक्ट्री नू अग लगी हैगी आ, लगभग अग ते काबू पा लिया गया है। जो समान नू लाइटां शो रहियां सीगियां वह कुछ ना कुछ थले आईआं, बड़ी जद्दोजहद हुई है। लगभग 6 बजे की जिहड़ी हैगी है यह अग लगी है। मोगा दे बाघा पुराणा रोड तो लाइव तस्वीर असीं तुहानूं दिखा रहे हैं। ग्रीनैस वैलफेयर फोर्स जो डेरा सच्चा सौदा दी है वह अपना काम बाखूबी निभा रही है। प्रशासन मुस्तैद है, पानी दीआं गड्डियां 15-20 गड्डियां आ चुकियां हैगियां। फास्ट न्यूज़ इंडिया तो लाइव तस्वीरां तुहानूं